तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग समझा दिया है स्लाइडिंग गेट के पैनल के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी वायरिंग का सिमुलेटर के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, मतलब जो हमने अभी वायरिंग किया वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको एक सिमुलेटर की मदद से हम समझेंगे। और सेम जो कंट्रोल वायरिंग दिखाया मैंने और पावर वायरिंग दिखाया, सेम वही वायरिंग यहाँ भी एक सिमुलेटर पर करके मैंने रखा हुआ है, तो उसको मैं रन करके देखूंगा यहाँ पे। तो चलिए सीधे अब वहाँ पे देखते हैं सिमुलेटर की मदद से। फ्रेंड्स, ये आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक EKTS सिमुलेटर है, इस पे मैंने वायरिंग किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पावर वायरिंग है पूरा, और ये पूरा कंट्रोल वायरिंग है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गेट का सिस्टम है। और ये इस तरफ आगे पीछे की तरफ स्लाइड होगा, और ये जो दिख पा रहे हैं ये अप डाउन की तरफ स्लाइड होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कंट्रोल वायरिंग जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था सेम वैसे ही किया हुआ है, और पावर वायरिंग भी सेम वही है, फेज शिफ्ट चेंज किया हुआ आउटपुट में केवल। और यहाँ पे मोटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मोटर के साथ दोनों मोटर को मैंने पैरेलल कनेक्शन दे दिया कि दोनों एक बार में ही हमारा शो हो जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, ये स्लाइडिंग वाला और ये अप डाउन होके होगा। और यहाँ पे जो मैंने फोटो सेल दिखाया था, सेंसर दिखाया, तो यहाँ पे सेंसर मैंने सेंसर का NC यूज किया हुआ है। तो चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने सिमुलेटर रन कर दिया। अब ये देखिए ओपन अभी करेंगे तो ओपन की तरफ ही गेट है, तो कुछ फंक्शन नहीं होना चाहिए, और जब क्लोज करेंगे तभी कुछ होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन किया फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं हुआ फंक्शन, देख लिया आपने। अब क्लोज करके देखते हैं। देखिए क्लोज जैसे किया हमने, गेट हमारा दूसरी तरफ जाके लिमिट स्विच जैसे इंगेज होता है बंद होता है, और सेम नीचे वाले मेट में भी, गेट में भी नीचे से ऊपर की तरफ हमारा क्लोज हो गया। और फिर जब ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन किया हमारा, ओपन हो गया। अब जो सेंसर का वायरिंग दिखाया था वो मैं दिखाया था, वो सेंसर का वायरिंग दिखाया क्लोज के समय ही वो सेंसर वर्क करेगा, मतलब कि अगर दोनों सेंसर गेट के बीच में कोई अगर है, कोई भी चीज़ या कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई गाड़ी है, तो उस समय अगर हम गेट को क्लोज करेंगे तो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर फोटो सेल डाला हुआ। तो ये फ़ोटो सेल के मान लो इंगेज करते थे, यहाँ पे फ़ोटो सेल को इंगेज कर दिया, मतलब फ़ोटो सेल अब मतलब कि बीच में कोई है। अब इसको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो क्लोज देखिए नहीं हो रहा है, और यहाँ से जैसे वो चीज़ कोई भी जो बीच में है वो हट जाएगी। अब हम क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज किया हुआ फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि गेट सिस्टम की वायरिंग कैसे करते हैं हम लोग, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। सबसे सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ ऑटोमेशन नहीं करना है। अगर बाहर से हम पैनल खरीदने जाएं और सिस्टम खरीदने जाएं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये आसानी से हम बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख पाए और उनको लाभ हो पाए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।